हे गाइस, सीए फाइनल एससीएमपी वालों से बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जनरली ये बात सच है कि जो स्टूडेंट पास होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनका इंटरव्यूज आपके सामने लाते हैं, और वो जो स्टूडेंट पास नहीं कर पाते उनका इंटरव्यूज ज्यादा नहीं ला पाते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, आपके जो स्टूडेंट पास नहीं हो रहे, आप उनका भी कुछ हमें बताइए कि क्या कारण से वो पास नहीं हो रहे। भाई, हमारे स्टूडेंट पास नहीं हो रहे सारे के सारे, ये बात तो सच है, एज वेल एज बहुत सारे और भी स्टूडेंट है जो एक बार में पास नहीं होते हैं। तो कुछ तो कारण खोजना पड़ता है, और उनको पकड़ के लाना, इंटरव्यू लेना इजी नहीं होता है। क्योंकि देखिए, सक्सेस को तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं, फेलियर को थोड़ी ना फ्लॉन्ट करते हैं। बट फिर भी हम लोग इंटरनली भी अगर किसी स्टूडेंट से बात करते रहते हैं, तो उसका इकट्ठा करते रहते हैं कि क्या कारण से वो फेल हो रहा। और हाल में तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज भी लिया हूँ कि कैसे सीए फाइनल एससीएमपी में इंप्रूव किया जाए। आप उसको यूट्यूब में जरूर फॉलो करिएगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो, नहीं करते तो फॉलो जरूर करना स्टार्ट करिए। और इस सेशन में मैं आपको बताने हूँ, आज हमारे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मुझे उनसे बात करके समझ आया, उनका 2 बार एससीएमपी अटेम्प्ट लगा, मुझे बात करके उनसे 4 रीजन मिले जिसके कारण एक स्टूडेंट सीए फाइनल एससीएमपी क्लियर नहीं कर पा रहा, या शायद हो सकता है वो कोई भी एग्जाम में अटकता होगा। तो ये 4 मेन रीजन है। पहला रीजन मुझे मिला कि स्पीड प्रॉपर नहीं है, यानी कि पेपर कंप्लीट नहीं होता पूरा। एससीएमपी में उस स्टूडेंट का क्या हुआ था कि 2 बार ऐसा हुआ कि दोनों बार पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा रीजन मुझे मिला कि वो जो आंसर लिख रहे हैं वो अपने शब्दों में लिख रहे हैं, जिसके कारण उनको लिखने के बावजूद मार्क्स नहीं मिल रहा। इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है वो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का कीवर्ड खोजता है, वो कीवर्ड मैच नहीं होता तो मार्क्स नहीं मिलता। तो वो कंसेप्ट को समझने पे जोर लगा दे रहा है, लेकिन उसको टर्म्स को उसके याद नहीं कर रहा है, इसलिए फेल हो रहा है। तीसरा रीजन है कि जब आंसर लिख रहा है तो उसमें पॉइंट्स तो जैसा तैसा वैसा लिख दे रहा है, बट पॉइंट्स के बाद भी जिस आंसर में मान लीजिए उनको याद है तो पॉइंट्स तो पूरा प्रॉपर लिख दे रहा है, बट उसके बाद भी कुछ उसके ऊपर का इंट्रोडक्शन होता है, कुछ कंक्लूजन होता है। अब वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कभी कभी कोई सिनेरियो के बारे में बात होता है, तो वो प्रॉपर नहीं होने के कारण वो फेल हो जाता है। और चौथा रीजन है कि वो फेल हो जा रहा है इसलिए कि एक नया क्वेश्चन आते ही डर जा रहा है कि अरे मेरे से होगा नहीं होगा, और उसमें मिस्टेक्स भरपूर कर दे रहा है, राइट। तो मुझे अभी तक तो यही समझ में आता है कि 4 मेन रीजन है किसी भी स्टूडेंट का फेल हो जाने का। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, पहला है स्पीड, दूसरा है ओन वर्ड्स में आंसर लिखना, तीसरा है आंसर में जो ऊपर नीचे लिखना होता है बैकग्राउंड वगैरह वो, और चौथा है फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन। तो मैं आपको भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इस 4ों को ओवरकम कैसे करना है, ठीक है। तो आपको पहले 4 चीज पे अपने आपको ले आना है कि हाँ, ये 4 कारण हो सकते हैं आपके लिए, कौन सा कारण था अगर आप फेल हुए थे तो। और अगर आप मान लीजिए फेल नहीं हुए और आने वाले एग्जाम टर्म में एग्जाम दे रहे हैं, तो इन 4ों का शिकार ना बन जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहला जब प्रॉब्लम हम लोग बता रहे कि स्पीड का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है, स्पीड का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है मॉक टेस्ट। तो बहुत बच्चों को जब बोलता हूँ मॉक टेस्ट, हाँ दिया था मतलब, फिर खोदता हूं तो बोलता है कि सिर्फ मैं तो देख लिया था, पेपर देख लिया था, ठीक है। फिर जब खोलता हूं तो बोलता हूँ नहीं सर, मैं दिया था, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैं दिया था लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने स्पीड पे लिख रहा था। देखिए, आपको अगर स्पीड की बात करनी है तो स्पीड तभी हो सकता है जब वो मॉक टेस्ट पूरा टाइम होगा। टाइम होगा मतलब आप 3 घंटा बैठ के पूरा लिखोगे तो ही वो स्पीड हाथ में आ सकता है। आपको पता चलेगा कहां आप ओवर जस्टिफाई कर रहे हैं, कहां आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी आप ज्यादा लिखने लगते हैं, कभी आप ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग और ओवर जस्टिफिकेशन को रोकना पड़ता है, तब स्पीड कंट्रोल होता है। एट द सेम टाइम हाथ को बहुत फ्लूइडली चलाते हैं तो फिर स्पीड आता है। तो वो जब तक वो 3 घंटा का प्रेशर लेकर आप नहीं बैठोगे, पेपर खत्म करने का कोशिश नहीं करोगे, होगा नहीं। सेकेंड आता है ओन वर्ड्स में आंसर लिखने का क्या सोल्यूशन है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर करके याद करने पड़ेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं। ओन वर्ड्स में आप इलैबोरेट करो, बट पॉइंट्स आप अपना इंस्टीट्यूट का लिखते रहो। तो इंस्टीट्यूट का पॉइंट्स चाहिए, ओन वर्ड्स में इलैबोरेशन करो। इलैबोरेटेड
टेक्स्ट आप नहीं याद रख सकते वन वर्ड्स में, बट पॉइंट्स आपको याद करना ही पड़ेगा, और वो पॉइंट्स इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के आंसर से मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आपके कहीं ना कहीं ऐसा आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के जो हेडिंग्स होते हैं वो सब। इन पॉइंट्स का ग्रिप लाने के लिए हमने एक सेवियर नाम का बुक बनाया था, वो सेवियर नाम का बुक अगर आप अवेल कर लेते तो आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन। आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन में हम लोग आपको सिर्फ यही बोलते हैं कि पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स लिखना है, बट उसके ऊपर नीचे भी भूमिका होती है, कंक्लूजन होता है, और बीच बीच में कभी इंटरलिंकिंग के लिए भी कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए होते हैं। और वो अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखोगे तो हर आंसर में कुछ डिफरेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू चेन का डेफिनेशन आपको हर जगह कुछ अलग मिलेगा, कॉस्ट लीडरशिप के बारे में हर जगह कुछ अलग बोल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। अब चेक करने वाला ऐसा होता है कि वो बोलता है मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं उसी से मैच करूंगा, अगर उससे मिलता जुलता है तो मैं मार्क्स दूंगा। कोई कोई लोग अपनी समझ से मार्क्स दे देंगे, वो उनके हाथ में होता है, और कोई कोई लोग बोलेंगे मैच नहीं करा मार्क्स नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट में है, तो इंस्टीट्यूट इस प्रॉब्लम को स्वीकार करता है। मतलब अगर हम लोग हायर अथॉरिटीज में जाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। एग्जामिनर कभी कभी पर्सनल हो जाता है, मतलब अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके मार्क्स देता है, तो उसको कंट्रोल 100% लेवल पे नहीं किया जा सकता उसमें। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ यार कि आपको, इसलिए तो इंस्टीट्यूट भी ये स्वीकार करता है कि ऐसा सिचुएशन हो ही सकता है, तो इसलिए वो थोड़ी ना बोलता है 100 में 100 लाओ, बोलता है 100 में 40 ही ले आओ। ठीक है, अब आपका क्या जस्टिफिकेशन रहता है कि मैं जो करके आया उसमें मेरे को पूरा 20 में 20 क्यों नहीं मिला, मैं 2 ही क्वेश्चन करूंगा उसमें मेरे को 40 मिल जाएगा, बाकी 4 में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को 75% 80% लेवल पे ले जाके करके आओ ना यार, तो भी तो ओवरऑल 75-80 मार्क्स आ सकता है। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि आपको एक एक क्वेश्चन में पूरा पूरा मिलेगा? वो थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्या उसमें ऊपर में नीचे में सेशन आंसर में लिखा हुआ होगा वो आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है, और वो एग्जैक्ट मैच होगा वो रिस्क है। मतलब अगर सेम क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में था और वो एग्जाम में आ गया तब तो आप फिर भी कर सकते हो, बट एक नया क्वेश्चन आ गया उसमें कैसे मैचिंग होगी, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि इस चीज से थोड़ा सा ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कि एटलीस्ट जो जो क्वेश्चन सेम इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में है उसका थोड़ा सा जो अंदर का पॉइंट्स तो याद कर लो, ऊपर नीचे का जो बैकग्राउंड है उसका भी थोड़ा पॉइंट्स बना के ध्यान रख के याद कर लो। कम से कम सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख पाओगे। हमारे नवंबर 20 का पेपर मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा पेपर आया जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से 95% मैच करता था, तो उसमें एक स्टूडेंट का मेरे स्टूडेंट नहीं मतलब एक स्टूडेंट का 83 मार्क्स आया था जिसका मैंने इंटरव्यू वगैरह लिया था। तो मैंने उसका पेपर वगैरह देखा ना, तो जो जो सिमिलर क्वेश्चन था उसको उतार दिया तो 83 मार्क्स आ गया। तो वो उतारने का खाली आपको कैपेसिटी चाहिए। अब अगर आप सिमिलर क्वेश्चंस को उतार लो तो मार्क्स बढ़ जाएगा, खाली रिस्क रहेगा डिसिमिलर क्वेश्चन का। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ये पजल्ड हैं कि भाई थ्योरी ज्यादा इंफेसिस दें कि प्रैक्टिकल ज्यादा इंफेसिस दें, क्योंकि थ्योरी पे ज्यादा इंफेसिस दिया तो लास्ट टर्म जुलाई 21 में बहुत सारा प्रैक्टिकल ही आ रहा, अब क्या करें, तो इस बार प्रैक्टिकल को इंफेसिस दे देंगे। तो ऐसा नहीं करना कभी भी, पेपर किस तरह का आएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए पेपर बैलेंस्ड वे में प्रिपेयर किया जाता है। एक फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन जो आप लोगों में हमेशा है, चौथा नंबर पॉइंट फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको नए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अभी आज एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर नए क्वेश्चन हम कहाँ से करें, क्योंकि आपका जितना भी इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं हम लोगों का किया हुआ है, तो सब अब पता है कि कौन सा क्या कहानी है, कहाँ से आ रहा है, तब नया करे कहां से, नया तो सीधा फिर एग्जाम में आ जाता है। तो ये बात इंस्टीट्यूट तक पहुंचाई गई कि नया क्वेश्चंस और करे कहां से, और कहां से पैदा करे आप, कहां से लाके दे रहे हैं, इनको कैसे लाएं। इसीलिए इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको केस स्टडी आईएएस दिया था लास्ट टर्म में, ठीक है, उसमें काफी सारे नए क्वेश्चन थे, तो केस स्टडी आईएएस भी अब आप लोग कर चुके हैं तो वो तो आपको आता है। अब प्रिपरेशन के लिए वापस कुछ नया क्वेश्चन चाहिए होता है, उसको करने से क्या पता हिम्मत खुल जाती है, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में नए क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाते, पहले से अगर नए क्वेश्चंस को थोड़ा फेस करते जाएंगे तो एग्जाम और बेटर जाएगा। इसलिए अभी हाल में आपको पता हो इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे कुछ नए क्वेश्चंस डाले, और मुझे आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप वो नए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करेंगे मतलब ये नहीं कि वो नए क्वेश्चंस को आप सीधा पढ़ लेंगे और उसका आंसर देखेंगे, उससे फिर डर नहीं निकलेगा। अगर आप सच में वो नए क्वेश्चन का डर निकालना चाहते हो तो क्या होता है, नया क्वेश्चन को लेकर
बैठो थोड़ा टाइम, आधा घंटा डेप्यूट करो, और आधा घंटा की जगह 40 मिनट भी लगे तो भी कोई बात नहीं, बट उसको इंटरप्रेट करके अपने से अटेम्प्ट करो। आप अगर एज ए स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो तो नया क्वेश्चन को फेस करो तो कैसे कर रहे हो, फिर पूरा करने के बाद ही आंसर चेक करो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अटका देख लेते, थोड़ा सा अटका देख लेते उससे डर नहीं निकलेगा। थोड़ा सा अटका देख लिया मतलब डरे हुए थे इसलिए तो नीचे देख लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा भी अटकाना तो भी एकदम दिमाग हो सकता है हिलने लगेगा, बट हिलने दीजिए, आप रुक जाइए, उसको पूरा करिए। इंस्टीट्यूट की साइट पर ही वो नया क्वेश्चंस दिया गया, अगर आपको पता हो है ना, तो वो नया क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था, अगर आप इंस्टीट्यूट साइट से जाके लेंगे तो वहां से भी ले सकते हैं। SGC के टेलीग्राम चैनल में भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, SGC इंस्टीट्यूट नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 28 अक्टूबर को डाल दिया था, 28 अक्टूबर, तो अगर आप फाइल चेक करेंगे 28 अक्टूबर की, ये तो ये नया क्वेश्चंस है, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें 7 और 2 9 नए क्वेश्चंस है, कितने नए क्वेश्चन है, 9, अगर 9 न्यू क्वेश्चंस, आप ये मान के चलिए इसमें 2 केस स्टडी बोलकर है और बाकी स्किल बेस्ड बोलकर 7 क्वेश्चन है। एकदम सॉल्यूशन नहीं देखना है, जितना हो सके अपने से करना है और फिर मिलाना है कि आप कितने सक्षम हैं। सो दैट्स द सिंपल फॉर्मूला। मैंने आपको 4 रीजन बताया और चारों का सॉल्यूशन बताया, मैं एक बार क्विक समरी बता देता हूँ। पहला स्पीड का प्रॉब्लम होता है, मॉक टेस्ट देना होगा 3 घंटा बैठ के। कुछ बच्चे बोलते हैं एक मॉक टेस्ट दिया था हो गया, बस एक नहीं होता है, 3 मॉक टेस्ट लगता है। मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट होता है जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आया इंस्टीट्यूट का वो दो, या फिर आप जुलाई 21 का पेपर दो, या फिर जैन 21 का पेपर दो, प्रीवियस टर्म का पेपर दो। दूसरा होता है ओन वर्ड्स में आंसर लिखना बंद करो, की पॉइंट्स थोड़ा याद करो, पूरा पूरा ओन वर्ड्स मत बनाओ, इलेबोरेट भले अपने मन से करो बट की पॉइंट्स पे ध्यान दो। तीसरा आंसर राइटिंग पैटर्न में ढांचा का बात है कि ऊपर नीचे क्या करें क्या लिखें, तो जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं जितना आप जानते हैं आपके ICAI से आ चुका है, उन क्वेश्चंस का खाली की पॉइंट्स नहीं याद करके उसका ऊपर नीचे का भी ढांचा को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, तो क्या आप एग्जाम में रेप्लीकेट कर पाएंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ नया आ गया और उसमें आप कुछ अलग लिख कर आ गए तो ठीक है यार, 100 में 100 थोड़ी लाना है, थोड़ा सा तो आपको एवरेज आउट करके चलना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट जो फियर ऑफ न्यू क्वेश्चन है, उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका कि न्यू क्वेश्चन को करो। जिस चीज का फियर है उसको करोगे तो वो फियर चला जाएगा, जिस चीज का डर है उसको फेस करोगे तो नहीं चला जाएगा, वो फेस सीधा एग्जाम हॉल में करोगे तो डर और गहरा हो जाता है। तो ये लकीली हम लोग के पास अगर 8-9 क्वेश्चन आ चुका है तो 8-9 क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक दिन में हो जाएगा ना। अब आप बोलेंगे लास्ट मोमेंट आया सर करे क्या, छोड़ दे क्या, टाइम नहीं है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर कैसे ले। तो अब आप अगर वो सब बिल्डअप करना चाहते हो रीजंस तो आपका चॉइस है, फिर एग्जाम में नहीं आ जाएगा तो आप डरिएगा बैठ के। अब डरना भी चाहते हो और फिर करना भी नहीं चाहते हो तो कैसे होगा, दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, आप जरूर बताइएगा और कोई डर है आपके मन में तो मैं हेल्प करूंगा। बस मैं आपको एक और चीज इस बीच में बताया था कि बच्चे ये भी सोच रहे कि थ्योरी पे ज्यादा इंफोसिस लेके प्रैक्टिकल पे, वो चीज से बाहर निकल जाइए, आपको इंफोसिस दोनों पे देना है, बैलेंस प्रिपरेशन करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना।